टुडेज टॉपिक इज अबाउट द मिजाज इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज एंड प्रैक्टिसेस अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। क्योंकि हम लोग ने बहुत बार मिजाज पे डिस्कशन भी कर चुके हैं और आपने अलग अलग स्पीकर से इसके बहुत अलग अलग पहलू पे प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने माइक को म्यूट कर रखे। तो यहाँ पर आज जो मैंने मिजाज का टॉपिक ली हूँ, हम डिस्कशन करने से पहले या मैं इसको डिस्कस करने से पहले एक बार क्लियर करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो भी मैंने स्लाइड्स बनाई हूँ, ये मैंने अपने जो रीडिंग्स है या डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से जो मैंने पढ़ा है और जो मेरा मिजाज पे थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क हुआ है, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये सब स्लाइड्स बनाई हूँ। हो सकता है आप लोग इससे डिफर करें या आप लोग इससे इत्तेफाक ना करें मेरे कुछ मतलब स्लाइड्स से। ये मैंने अपनी समझ, जितना भी मुझे यूनानी की समझ आई है, उस समझ के हिसाब से मैंने ये बनाई है। और ये इट इज सोली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। और इसका जरूरी नहीं है कि हम बहुत मतलब इसको क्या कहे, इम्प्लीमेंटेशन तो अगर हम करते हैं तो नेचुरली विल गेट गुड रिजल्ट्स, लेकिन इसको हम आप लोग जो है इसे डिफर भी कर सकते हो। अगर इफ यू वांट टू डिफर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज ओके विथ मी। ये एक मैं अपना जो नजरिया है मिजाज का और जो मैंने थोड़ा बहुत समझा है मिजाज को, उस हिसाब से ये मैंने स्लाइड्स तैयार की हूँ। तो चूंकि मैंने टॉपिक सिलेक्ट की थी इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज एंड प्रैक्टिसेस अक्रॉस वेरियस डोमेन्स, तो इसका मतलब क्या है इंटरवेंशन, यानी हम को कौन से इकदाम या कदम उठाते हैं अगर हमें किसी भी पर्सन का मिजाज अगर मालूम है। यहाँ पर हमको सबसे पहले दो चीज समझनी है कि जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम तबीब है, तो जब हम ये कहते हैं कि हम तबीब है, तो यहाँ पर इंसानी जिस्म की हालत जो होती है वो दो होती है, या तो वो सेहतमंद होता है या उसमें मर्जी कैफियत होती है। तो तबीब का काम क्या होता है कि अगर सेहत है तो उसको बहाल रखने की कोशिश की जाए, उसके पक्का की कोशिश की जाए, और अगर मर्ज है या मर्जी कैफियत नमूदार होती है तो उसकी उसके इजाले की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर आज का मेरा जो टॉपिक है मिजाज का, वो मैंने हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए लिया है कि हम ऐसे कौन से इंटरवेंशन अपना सकते हैं अगर हम किसी बंदे का मिजाज हमको अगर पता चलता है कि वो दम्भी है, बलगमी है, सपरावी है या सौदावी है, तो उसके मिजाज के हिसाब से हम टेलर्ड मेड कौन से इंटरवेंशंस कर सकते हैं या कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जो उसके मिजाज के अप्रोप्रिएट हो और उसके लिए वो हेल्पफुल हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो प्योर जो होगा वो हम हेल्दी इंडिविजुअल्स के मिजाज के बारे में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हम कौन से अपना सकते हैं, या हमारे पास अगर कोई नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स भी आता है तो हम उसको कौन से स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर सकते हैं और क्या प्रैक्टिसेस है या हम कौन से अमली इकदाम कर सकते हैं जिससे वो जो इकदाम होंगे या वो जो इंटरवेंशन होंगे वो उसके हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए जो है वो कारामद हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा, दैट इज मिजाज इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज एंड प्रैक्टिसेस अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। या इसको अगर मैं सिर्फ एक एक लफ्ज में कहूं तो हम कह सकते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ मिजाज इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। इसकी हेडिंग इस तरह भी हो सकती है। ओके, सो इंटरवेंशंस में हम सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ड्यूरिंग हेल्थ, तो अगर कोई इंसान हेल्दी है और अगर वो हमारे पास आता है गाइडेंस के लिए कि डॉक्टर साहब आप मुझे गाइड कीजिए, मैं तो हेल्दी हूँ या आई एम इन अ गुड शेप ऑफ ए हेल्थ, तो मैं कौन से ऐसे इकदाम और जारी रखूँ या और कौन से ऐसे इकदाम अपनाऊँ जिसके वजह से मैं काफी दिनों तक हेल्दी रह सकता हूँ। सो एज अ यूनानी फिजिशियन वी सजेस्ट लाइफ स्टाइल एज पर द पर्सन्स मिजाज। तो हमको यहाँ पर उस पर्सन के मिजाज के हिसाब से उसको लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए कहना है या वो और हेल्दी रह सकता है। तो जैसे कि हमको सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है, मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, प्लीज बाकी सबको दिख रही है क्या? प्लीज नहीं, स्क्रीन
दिखाई दे रही, ब्लैक ब्लैक ब्लैकिश अब दिखाई दे रही है, अब कुछ। थैंक यू। नजर आ रही है भाई आपको स्क्रीन मेरी? हेलो जी, आ रही है, दिख रही हो रही है। ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही है, उस पे पीपीटी नहीं नजर आ रही। ओके, मैं कोशिश करती हूँ वापस से। ओके, अब नजर आ रही है। हेलो, यस मैडम, यस अब नजर आ रही है। यस मैम। ओके, जैसे हमको पता है कि अजबाबे सित्ता जरूरिया जो है दे आर द बेस, तो अगर अजबाबे सित्ता जरूरिया के ये जो पॉइंट्स है अगर हम उसको अपनाते हैं और उसको तबई हालत में अपनाते हैं तो नेचुरली कोई भी बंदे की जो है वो, कोई भी बंदा जो है वो सेहतमंद रह सकता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट आएगा अजबाब सत्ता जरूरिया में वो एयर है या हवा है। तो हम यहाँ पे चारों मिजाज को डिस्कस करेंगे और ये इसको मैंने बहुत शॉर्ट बनाने की कोशिश की क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। तो दमवी मिजाज का, दमवी मिजाज जो होता है उनकी जो कैफियत होती है वो हार रतब होती है। तो उनके लिए जो बेस्ट सुटेबल हवा होगी वो होगी बारिद याबिस। तो बारिद याबिस जो, अगर हम क्लाइमेट की बात करें और अगर हम इंडिया की बात करें तो बारिद याबिस क्लाइमेट जो है हमको सबसे बेहतरीन क्लाइमेट जो मिलेगा वो जम्मू एंड कश्मीर में या लेह में मिलेगा। तो दीज आर यू कैन से द ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ट सुटेड फॉर दमवी मिजाज पर्सन। और अगर हम घर में बात करेंगे तो ऐसे लोगों को अगर वो फैन की हवा इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके लिए बेस्ट सुटेड होंगी। सफरावी मिजाज का चूंकि कैफियत हार याबिस होती है और उनके लिए जो हमको बेस्ट सूटेड कैफियत होंगी वो बारिद रतब होंगी। तो ऐसे लोग अगर एसी और कूलर इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये मतलब एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और उनके लिए जो ज्योग्राफिकल बेस्ट लोकेशन हो सकती है वो शिमला, शिलोंग, श्रीनगर, गुवाहाटी, महाबलेश्वर, इस तरह के जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहाँ की जो क्लाइमेट होता है वो बारिद रतब होता है। देन बलगमी मिजाज, इनकी कैफियत सर्द तर होती है तो हम इनके लिए जो कैफियत बेस्ट सूटेड रहेंगे वो हार हार याबिस होंगी। तो और बेस्ट यू कैन से सुटेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन विल बी जैसलमेर, जोधपुर एंड शोलापुर एक्सेट्रा। सऊदावी मिजाज की कैफियत चूंकि सर्द खुश्क होती है तो इनके लिए जो बेस्ट सूटेड कैफियत होंगी वो हार रतब होंगी। और इनके लिए जो बेस्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन होगा वो केरला, साउथ आसाम, वेस्टर्न मालाबार हिल्स एक्सेट्रा। सो दीज आर यू कैन से द डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट दैट इज सूटेड फॉर देम। देन अगर हम फूड एंड ड्रिंक्स की बात करें या माकुल और मशरूब की बात करें, ये स्लाइड्स मैंने अपने कुछ पहले भी लेक्चर्स में शेयर की थी लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बता रही क्योंकि हम अजबाब सत्ता जरूरिया की बात कर रहे हैं और ये टेलर मेड या कस्टमाइज हम अजबाब सत्ता जरूरिया की बात करें कि कौन से मिजाज के लोगों के लिए किस तरीके से होना चाहिए। ये एक मैंने सिर्फ ब्रॉड आइडिया देने की कोशिश की हूँ, यहाँ पर इसको हम और फाइन ट्यून कर सकते हैं या और हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो सैंग्विन के लिए ये जो स्लाइड है ये एक जनरल प्रिंसिपल है फॉर डाइट या माकुल और मशरूम। तो सैंग्विन जो है फूड शुड बी कोल्ड एंड ड्राई। कोल्ड का मतलब यहाँ पर मैं कैफियत का मुराद ले रही हूँ, ठंडा या गर्म नहीं है, या हम कहेंगे कि हम कैसा ठंडा खाना हम किसी को कैसा सर्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं उसकी तासीर या कैफियत से मुराद है। देन स्पाइसेस ऑफ ऑल काइंड्स इन मॉडरेट क्वांटिटी, और यहाँ पर बीन्स जो होते हैं वो ज्यादा लेने नहीं चाहिए एंड मूंग दाल वगैरह ले सकते हैं। ऑयल्स दे कैन यूज, क्रीम एंड बटर दे आर गुड फॉर देम, फ्रेश कोकोनट, पीनट्स, पम्पकिन सीड्स, सिसमे सीड्स, एलमंड्स, कैशिव्स, कोकोनट, हेजलनट, वॉलनट्स, ये जो है दे आर बेस्ट सूटेड फॉर सैंग्विन पर्सन। फॉर प्लेग्मेटिक जो कैफियत जो है वो हॉट एंड ड्राई होनी चाहिए। प्लेग्मेटिक लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट जो है वो अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि दही हुआ और हम कह सकते हैं योगर्ट है और पनीर है,
इस तरह की चीजें जो है वो फ्लेगमेटिक पर्सन ने डेयरी प्रोडक्ट्स जो है अवॉइड करने चाहिए। हाई प्रोटीन एंड हाई फैट डाइट लेने चाहिए। फ्रूट्स में जो है दे शुड अवॉइड द सिट्रस फ्रूट्स एंड नट्स। कोलेरिक पर्सन के जो होंगे कोल्ड एंड वेट तासीर या कैफियत वाली गिजाएं होनी चाहिए। ऑल फ्रूट्स शुड बी राइप एंड स्वीट इन टेस्ट, यानी पके हुए फल इन्होंने खाने चाहिए और जिनका जायका मीठा हो ऐसे फ्रूट्स कोलेरिक पर्सन ने खाने चाहिए। एंड लाइट ब्रेकफास्ट होना चाहिए, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स होने चाहिए क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म क्वाइट हाई होता है तो इनको भूख जो है वो जल्दी जल्दी लगती है, इसलिए इन लोगों ने मतलब ये 3 बिग मील्स की बजाय छोटे छोटे फ्रिक्वेंट मील्स ले सकते हैं। मेलेनकोलिक फूड शुड बी हॉट एंड वेट क्वालिटी। नट्स आर गुड फॉर मेलेनकोलिक पर्सन, अवॉइड स्वीट एंड स्टार्ची स्नैक्स। यहाँ पर मेलेनकोलिक लोग जो है वो जूसी फ्रूट्स ले सकते हैं, यानी वाटरमेलन, मस्क मेलन, इस तरह के जो फ्रूट्स है, संतरा, मौसम्बी, जिसमें जूसी कंटेंट ज्यादा होता है, मेलेनकोलिक लोगों के लिए वो बहुत सुटेबल होते हैं। अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो सैंग्विन पर्सन जो है ब्रेकफास्ट लाइक एग, योगर्ट, वार्म मिल्क, ऑरेंजेस, बनाना, एवोकाडोस, ग्रेप्स, चेरीज, पीचेस, मेलन्स, बेरीज, प्लम्स, पाइनएप्पल, मैंगो, पपाया, यानी इन शॉर्ट फ्रूट्स जो है, फ्रूट एंड मिल्क दे कैन हैव इन देयर ब्रेकफास्ट। फ्लेगमेटिक जो होते हैं दे शुड अवॉइड मिल्क, लो फैट मिल्क इज बेटर। फ्रूट्स में एप्पल, पेयर्स दे शुड बी टेकन एंड हनी भी ले सकते हैं। कोलेरिक जो है मिल्क फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, पेयर्स, रेड ग्रेप्स एंड ब्लूबेरीज, एग्स, बीन्स, ये सब खा सकते हैं, या वेजिटेबल ऑमलेट, ओटमील जो है दे कैन टेक विथ हॉट मिल्क एंड नट्स। मेलेनकोलिक जो है दे शुड अवॉइड वेरी शुगरी ब्रेकफास्ट एंड इट शुड बी फैट रिच ब्रेकफास्ट। वाटरी फ्रूट जूस लाइक मेलन, बेरीज एंड सिट्रस और ब्रेड जो है ऐसे लोगों ने अवॉइड करना चाहिए। दे कैन हैव एग्स इन देयर ब्रेकफास्ट, मेलेनकोलिक पर्सन है। लंच में अगर हम सैंग्विन की बात करें तो दे शुड हैव मीट, राइस, रोटी, ब्रेड, बीट, पल्सेस, कुकुम्बर, कैरेट, एस्पेरेगस, यानी सैंग्विन लोगों को जो है दे कैन हैव सैलेड्स इन देयर लंच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, सेलेरी, जुकोनी, यानी हम जिसे कहते हैं भिंडी, पोटैटोज, ये ले सकते हैं लंच में। फ्लेगमेटिक जो है इनका हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, फिश और मीट, ऑल वेजिटेबल्स एक्सेप्ट टमेटोज, कुकुम्बर, स्वीट पोटैटोज ले सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बीन्स ले ये लंच में ले सकते हैं। कोलेरिक पर्सन अगेन दे कैन हैव मीट, फिश एंड चिकन, फ्रेश वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकोली, कैरेट, सिलेरी, ग्रीन बीन्स, मशरूम्स, ये इस तरह के सूप्स भी ले सकते हैं। मेलेनकोलिक वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, सिलेरी, टमेटोज एंड लेट्यूज ले सकते हैं। डिनर में सैंग्विन पर्सन फिश, राइस एंड लॉट्स ऑफ सैलड्स, वेजिटेबल्स, स्वीट एंड मॉइस्ट वेजिटेबल्स दे शुड बी कुक्ड। रूट वेजिटेबल्स आर स्पेशली बेनिफिशियल, तूर दाल, उड़द दाल दे कैन टेक। फ्लेगमेटिक वेजिटेबल्स दे शुड हैव इन द डिनर, राइस इन स्मॉल पोर्शन। कोलेरिक में सूप्स, मूंग दाल विथ राइस, किडनी बीन्स, राजमा वगैरह इस तरह का, एंड सॉटेड ग्रीन बीन्स एंड वेजेस दे कैन टेक। मेलेनकोलिक में वार्म सूप्स, लीन व्हाइट फिश और ऑर्गेनिक चिकन विथ लॉट्स ऑफ कुक्ड वेजिटेबल्स। तो ये एक मैंने एक ब्रॉड मतलब इनका पूरा दिन के कहना चाहिए व्हाट शुड बी दे शुड बी हैविंग इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिजाज के लोग। बॉडीली मूवमेंट्स एंड रिपोर्ट्स में सैंग्विन पर्सन जो है या दम्भी मिजाज के लोग है दे शुड अडॉप्ट मॉडरेट एक्सरसाइज लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। फ्लेगमेटिक पर्सन जो है दे शुड गो फॉर हेवी एक्सरसाइजेस, फॉर एग्जाम्पल जॉगिंग, फास्ट रनिंग एंड स्विमिंग। कोलेरिक पर्सन ने हमेशा लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, लीजरी वॉक एक्सेट्रा, जैसे चहलकदमी करना कहते हैं उस तरह का, या लाइट साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं। मेलेनकोलिक या सौतावी जो है दे कैन गो फॉर वेरी हैवी एक्सरसाइज। मैं यहाँ पर ये पूरे हेल्दी लोगों की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल हैवी वेट लिफ्टिंग एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हम अगर हम मॉडरेट हैवी या लाइट एक्सरसाइज को अगर हम मतलब ब्रॉड अगर कोई बंदा कहे कि किसको कह सकते हैं हम लाइट एक्सरसाइज या मॉडरेट एक्सरसाइज और हैवी एक्सरसाइज। लाइट एक्सरसाइज में जब कोई भी बंदा लाइट एक्सरसाइज करता है तो पसीना इतना ज्यादा नहीं आता है, या लाइट एक्सरसाइज में पसीना नहीं आता है। मॉडरेट एक्सरसाइज में थोड़ा सा पसीना आ सकता है और हैवी एक्सरसाइज में बहुत एक्सट्रीम स्वेटिंग हो सकती है, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं।
कि इस तरीके से आपने एक्सरसाइज करनी है। सैंग्विन लोगों को हम ये कहना है कि दे शुड गो फॉर मॉडरेट एक्सरसाइज, यानी अगर आपको पसीना आने लगे तो ये समझो कि आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हो ब्रिस्क वॉकिंग के दौरान। हेवी एक्सरसाइज में आपको क्वाइट विजिबल या हेवी स्वेटिंग भी मिल सकती है। इस तरीके से हम इंडिविजुअल्स को गाइड कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ देयर एक्सरसाइज, वेदर दे शुड गो फॉर लाइट एक्सरसाइज, मॉडरेट और हेवी एक्सरसाइज। साइकिक मूवमेंट एंड रिपोज, हरकत और सुकून नफसानी। अब यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा यू मे डिफर, आप लोग हो सकता है आप लोगों के जहन में आए कि ये मैं इस तरह कैसे कह सकती हूँ कि देखिए हम कहते हैं हरकत सुकून नफसानी, यहाँ पे हम हमारे रूहानी या नफसानी, क्योंकि अभी पहले जो था वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ज्यादा ये दिया जाता था, इम्पोर्टेंस दिया जाता था और इमोशनल, लेकिन अभी स्पिरिचुअल हेल्थ भी एक कंसेप्ट है और इसको मॉडर्न लोग भी मानते हैं कि द पर्सन शुड बी स्पिरिचुअली ऑल्सो द पर्सन शुड बी हेल्दी। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये एक चीज ऐड की हूँ इबादत एंड अस्कार में। अब यहाँ पर तहज्जुद का मैंने लिखा है, तो अब हम ये सब बीइंग अ मुस्लिम हम ये कहेंगे तहज्जुद जो है हर एक के लिए है, अफकोर्स हर एक के लिए है, हर एक इंसान के लिए तहज्जुद जो है सबसे बेहतरीन इबादत है, लेकिन यहाँ पर अगर हम मिजाज के हिसाब से बात करेंगे और एक हम तबीब के हिसाब से बात करेंगे और हम उनके कैफियत के हिसाब से बात करेंगे, तो कौन से अस्कार कौन से वक्त के लिए उनके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। तो सैंग्विन मिजाज के लिए तहज्जुद में उठना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, और अस्कार जो है अगर वो कुछ करना चाहे तो वो आफ्टर मगरिब जो अस्कार अगर वो करना चाहेंगे तो दे विल गेट मोर बेनिफिट। फ्लेगमेटिक इनके जो अस्कार है वो आफ्टर फजर एंड असर के वक्त अगर वो रखेंगे तो दे कैन रीप द मोर बेनिफिट ड्यूरिंग फजर एंड असर। कोलेरिक में अगेन द पर्सन द बेस्ट यू कैन से इज तहज्जुद एंड अस्कार आफ्टर मगरिब, एंड मेलेंकोलिक दे शुड डू अस्कार आफ्टर फजर। तो यहाँ पर मैंने इनकी कैफियत को जहन में रखी हूँ और उनकी कैफियत को जहन में रखकर ये जो अवकात है मगरिब फजर असर के जो मतलब उस वक्त के जो टेम्परामेंट होता है या उस वक्त जो हम कहेंगे कैफियत होती है उस हिसाब से हमने उनको मैच करके यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश की हूँ। एक कल रात मैं ये जो प्रेजेंटेशन बता रही थी तो एक चीज और मेरे जहन में आई थी कि अल्लाह ताला के जो अस्माए हुस्ना है अगर हम उसको भी कैफियत के हिसाब से अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो हम बीइंग अ तबीब हम उनके स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हम उनको स्पेसिफिक अस्माए हुस्ना भी तजवीज कर सकते हैं। अगर मुझे वक्त मिला तो वो मैं उसको कैटेगराइज करूंगी और वो मैं सर अलाउद्दीन सर के साथ शेयर कर दूंगी और वो आप लोगों से शेयर कर देंगे। आप उसको यू कैन गो थ्रू और उसको हम क्रिटिकली देखें, ये सिर्फ मैं कह रही हूँ इसलिए सही नहीं है, हो सकता है मैं कुछ नामों की जो कैफियत है उसके बारे में थोड़ा बहुत मेरी गलती हो सकती है, तो क्या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कौन सा अस्माए हुस्ना की तस्बीह जो है कौन से मिजाज के लिए मोस्ट सुटेबल होंगी, तो हम इस तरीके से भी हम उसको कैटेगराइज करके हम अपने लिए भी कर सकते हैं अपने मिजाज को जानकर, और हम अगर कोई हमसे हेल्प या गाइडेंस सीख करता है तो हम उसको भी ये गाइडेंस दे सकते हैं। यूजेस ऑफ एसेंशियल ऑयल्स में यहाँ पर अगेन मैंने ये जो एसेंशियल ऑयल सजेस्ट की हूँ ये उनकी कैफियत के हिसाब से है और उस बंदे के मिजाज के हिसाब से है। जैसे सैंग्विन चूंकि हार रतब होते हैं तो उनके लिए सर्द कैफियत वाले एसेंशियल ऑयल्स बेनिफिशियल होंगे, तो संदल रोगने गुल लेवेंडर एक्सेट्रा दे कैन यूज एसेंशियल ऑयल्स, और फ्लेगमेटिक जो है दे कैन यूज क्लो ऑयल एंड इक्लिप्टस ऑयल। यहाँ पे मेरे पास एरोमा थेरेपी का एक बहुत बहुत ही बड़ा सा मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई हूँ, तो हम किसी वक्त हम सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल ऑयल्स पर भी बात कर सकते हैं कि कौन से मिजाज के लोगों ने कौन से एसेंशियल ऑयल यूज करने चाहिए, एसेंशियल ऑयल किस तरह इस्तेमाल होने चाहिए और कौन से दिन के कौन से वक्त जो होता है वो बेहतरीन होता है टू यूज एसेंशियल ऑयल्स, क्योंकि आप देखेंगे एरोमा थेरेपी एक बहुत बड़ा ब्रांच है और हम अपने क्लिनिक में एरोमा थेरेपी को जो है हम इस्तेमाल करा सकते हैं। तो कोलेरिक बंदों ने कौन सा एसेंशियल ऑयल्स इस्तेमाल करना चाहिए, रोगने गुल संदर लेवेंडर, तो यहाँ पर सैंग्विन और कोलेरिक ये बहुत करीब करीब है इसलिए हम दोनों टाइप के मतलब एक ही टाइप के एसेंशियल ऑयल दोनों तरह के मिजाज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
हम यहाँ पे उनका दर्जा देख सकते हैं, जैसे रोगनेगुल और संदल जो है ये कोलेरिक के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगा, लेवेंडर जो है वो सैंग्विन पर्सन के लिए ज्यादा सुटेबल होगा, मेलनकोलिक के लिए कैमोमाइल जो है हम वो इस्तेमाल करा सकते हैं। अगेन साइकिक मूवमेंट एंड रिपोज, हरकत सुकून नफसानी में के लिए अगर हम कहेंगे तो हम सिलेक्शन ऑफ कलर्स भी कह सकते हैं कि कौन से कलर्स जो है उस बंदे के मिजाज के लिए सुटेबल होंगे। से फॉर एग्जांपल सैंग्विन के लिए जो मोस्ट सुटेबल कलर्स है वो ग्रीन एंड येलो ग्रीन शेड्स है, और व्हाइट है एंड वाइट है। यहाँ पर हम कलर्स को हम इसलिए सिलेक्ट करेंगे, जैसे अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे या गूगल पे देखेंगे तो वार्म एंड कूल कलर्स होते हैं, और ये चूंकि हम कलर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको उसकी वेवलेंथ को जहन में रखना है कि कौन से कलर्स की वेवलेंथ कितनी होती है, और उस हिसाब से हम वेवलेंथ को अगर जहन में रखकर अगर हम उसके मिजाज को फिर हम सजेस्ट करेंगे तो ये एक साइंटिफिक कोरिलेशन भी हो सकता है। हम यहाँ पे सिर्फ एक गेसिंग नहीं कर रहे बल्कि हम कौन से कलर की कौन सी वेवलेंथ है और मिजाज की कैफियत के हिसाब से फिर हम उसको उसका मोस्ट सुटेबल वेवलेंथ वाले कलर्स हम सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सैंग्विन के लिए ग्रीन एंड ऑल शेड्स ऑफ येलो ग्रीन ले सकते हैं, ऑफ व्हाइट ले सकते हैं, व्हाइट ले सकते हैं। फ्लेगमेटिक के लिए ऑरेंज एंड येलो ऑरेंज शेड्स बेहतरीन होते हैं, यानी यहाँ पर हम ऑरेंज का मतलब बहुत ही ब्राइट ऑरेंज मैं नहीं कहना चाह रही हूँ, यानी ऑल द सबटल शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड येलो ऑरेंज एंड दे कैन द ब्लैक कलर इज ऑल्सो सुटेबल फॉर फ्लेगमेटिक। कोलेरिक के लिए द बेस्ट सुटेबल कलर्स आर व्हाइट, ब्लू एंड ऑल शेड्स ऑफ ब्लू एंड एक्वा ब्लू के जितने भी शेड्स है दे आर गुड फॉर देम। एंड मेलनकोलिक के लिए रेड, अगेन नॉट वेरी ब्राइट रेड, ऐसा भी रेड नहीं जो आंखों को चुभे, सबटल रेड्स एंड ऑल इट शेड्स जो है वो मेलनकोलिक के लिए बेस्ट सुटेबल होंगे। नाउ द सिलेक्शन ऑफ जेम स्टोन्स, बहुत सारे अगर औरतें हैं एंड इफ दे वॉन्ट टू वेयर ज्वेलरी तो विच टाइप ऑफ जेम स्टोन्स आर सुटेबल, मोस्ट सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर मिजाज। यहाँ पर अगेन मैंने ये जो जेम स्टोन्स है इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को जहन में रख के ये सजेस्ट की हूँ। सैंग्विन के लिए द मोस्ट सुटेबल जेम स्टोन्स आर पर्ल एंड डायमंड्स। फ्लेगमेटिक पर्सन के लिए रूबी, दे आर द बेस्ट, जैसे हम अकीक वगैरह कहते हैं। कोलेरिक पर्सन के लिए सफायर एंड प्लेटिनम मटेरियल जो है दे आर बेस्ट सुटेड फॉर देम। एंड मेलनकोलिक के लिए जेड, एमरल्ड एंड टर्कोइज, यानी जो भी ग्रीन ग्रीन और ग्रीन के शेड्स जो होते हैं या टर्कोइज यानी फेरोजा जो होता है, इस तरह के जो जेम स्टोन्स होते हैं दे आर सुटेबल फॉर मेलनकोलिक। एंड अगेन अगर मैं गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूं तो गोल्ड एंड सिल्वर आर सुटेबल फॉर, यू कैन से सिल्वर इज सुटेबल फॉर सैंग्विन एंड गोल्ड इज सुटेबल फॉर फ्लेगमेटिक पर्सन। सो दिस इज हाउ फॉर द यू कैन से हरकत और सुकून नफसानी या सुकून नफसानी के लिए वी शुड सजेस्ट ऑल दीज मेजर्स, और वी कैन से ऑल दीज यस ऑल दीज मेजर्स सो दैट उनका जो साइकिक मूवमेंट एंड रिपोज जो है वो एक एतदाल पर रहने में बहुत सारी मदद मिल सकती है। द नेक्स्ट इज sleep and wakefulness. As you know, sanguine person, they are having sound sleep of 6 to 7 hours. तो हम ये कह सकते हैं कि दम्भी मिजाज के लोगों को कि अगर आप 6 से 7 घंटे सुकून से सोते हैं तो that is normal for you. Phlegmatic, sound sleeping for 8 to 10 hours. Choleric, they are always having a light sleep. यानी इनकी नींद जो होती है, हम कहते हैं ना कच्ची नींद होती है, इस तरह की 5 to 6 hours sleep is enough for them. And melancholic जो होते हैं, they are having always a disturbed sleep pattern of 8 to 10 hours. And sometimes they may have insomnia. तो उसी हिसाब से देन हमको उनको सजेस्ट करना है। इवैक्यूएशन एंड रिटेंशन की बात करेंगे तो सैंग्विन में रेगुलर ब्लैडर एंड बवेल मूवमेंट होती है, फ्लेगमेटिक ऑल्सो दे आर हैविंग रेगुलर ब्लैडर एंड बवेल मूवमेंट, वेर एज कोलेरिक एंड मेलनकोलिक जो होते हैं दे मे हैव इरेग्युलर बवेल मूवमेंट। तो यहाँ पर हम उनको उनकी कैफियत के हिसाब से हम सजेस्ट कर सकते हैं सर्टन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मेलनकोलिक के लिए वी कैन सजेस्ट कि हम उनसे कहेंगे कि आप फाइबर जो है आपके डाइट में ऐड कीजिए,
ताकि जो कॉन्स्टिपेशन का मामला हो वो उससे क्लियर हो सके एंड वाटर इनटेक जो है हम यहाँ पर उनसे क्लियर कर सके। यहाँ पर मैं कहूंगी कि हम डाइट्री जो एडवाइस है वो दे टू रेगुलराइज देयर ब्लैडर एंड बवेल मूवमेंट, बिकॉज अगेन वी आर हियर डीलिंग विद हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर डिजीज की हम बात नहीं करें, अगर डिजीज की बात आएंगी तो फिर हम उनको वहां पर जो है हर्बल प्रिपरेशन या मुफरतात एंड मुरक्कबात जो है हम सजेस्ट करेंगे। यहाँ पर वी शुड एडवाइज द डाइट्री पैटर्न टू रेगुलराइज देयर ब्लैडर एंड बवेल मूवमेंट। देन अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, समझो अगर कोई बंदा हेल्दी है और वो सैंग्विन मिजाज का है तो वो हमसे ये पूछ सकता है कि विच मिजाज इज मोस्ट कंपैटिबल फॉर हिम, तो हम यहाँ पर उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिजाज का ये टेबल बनाई हूँ, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, कोलेरिक एंड मेलेनकोलिक। एक्सक्यूज मी, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस मैम। और स्लाइड्स नजर आ रही है आप लोगों को? यस यस मैडम, यस क्लियर है। तो अब यहाँ पर मैंने ये कंपैटिबिलिटी को तीन हिस्सों में डिवाइड की हूँ, मोस्ट कंपैटिबल मिजाज, मॉडरेट कंपैटिबल मिजाज एंड लीस्ट कंपैटिबल मिजाज। हम कहते हैं ना कि कोई जो होता है हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड होता है, कुछ जो होते हैं वो ठीक ठाक से फ्रेंड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो डिस्टेंट फ्रेंडशिप होती है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से मैंने इनको मतलब कैटेगराइज की हूँ कि अगर सैंग्विन मिजाज है तो उसके लिए मोस्ट कंपैटिबल मिजाज कैन बी मेलेनकोलिक पर्सन, मॉडरेट कंपैटिबल मिजाज जो होगा उसके लिए फ्लेगमेटिक बंदा हो सकता है, एंड लीस्ट कंपैटिबल मिजाज जो होता है कोलेरिक होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो कैफियत है वो हार कैफियत जो होती है वो गालिब हो सकती है। अब यहाँ पर लीस्ट कंपैटिबल जरूरी नहीं है कि सैंग्विन के लिए लीस्ट कंपैटिबल मिजाज कोलेरिक भी हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों की हार कैफियत होती है। तो ये भी हो सकता है कि ये ऐसे दो बंदे सैंग्विन और कोलेरिक के मिले, तो अगर इफ दे आर इन मॉडरेट लेवल तो इनकी दोनों की हार कैफियत है जो है वो एक अच्छे काम के लिए या उनकी एनर्जी जो है एक अच्छे मतलब हम कहेंगे प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी काम आ सकती है, और कभी कभी क्या हो सकता है टकराव भी हो सकता है इफ सच पर्सन कम फॉर एनी प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से देन फ्लेगमेटिक के लिए मोस्ट कंपैटिबल मिजाज के जो लोग हो सकते हैं वो कोलेरिक हो सकते हैं, क्योंकि फ्लेगमेटिक जो होते हैं वो थोड़े से हम कहेंगे सर्द कैफियत होते हैं या ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, तो उनको हमेशा मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो अगर उनका कोई पर्सन जो है कोलेरिक मिजाज का है तो वो उसको हमेशा एक मोटिवेट कर सकता है उसकी लाइफ में और जिंदगी के हर पहलू में वो उसको मोटिवेशन दे सकता है। दैट इज सो द मोस्ट कंपैटिबल मिजाज फॉर फ्लेगमेटिक पर्सन विल बी कोलेरिक, मॉडरेट कंपैटिबल सैंग्विन हो सकता है, एंड देन द लीस्ट विल बी मेलेनकोलिक, क्योंकि ये दोनों में सर्द कैफियत जो होती है वो डोमिनेंट होती है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर मोटिवेशन का बिल्कुल लैक हो जाए। तो अगर समझो फ्लेगमेटिक बंदा अगर समझो मेलेनकोलिक बंदे से अगर उसकी शादी अगर हम कहते हो जाती है तो यहाँ पे उन दोनों के लाइफ में जो है रोमांस जो होगा वो थोड़ा सा बहुत लोअर साइड होगा, लेकिन अगर हम ये कहें कि सैंग्विन और कोलेरिक होगा तो ये चूंकि दोनों की हायर कैफियत है तो ऐसे लोगों के जो रोमांटिक रिलेशनशिप जो होंगे हम कहेंगे वो बहुत इंटेंस हो सकती है, एंड इट कैन बी मतलब ये भी हो सकता है कि दो वोल्केनो एक जगह आए तो वो टकराव की कैफियत भी हो सकती है। कोलेरिक में मोस्ट कंपैटिबल मिजाज जो हो सकता है वो फ्लेगमेटिक हो सकता है इन लोगों के लिए, मॉडरेट कंपैटिबल मिजाज इन लोगों के लिए मेलेनकोलिक हो सकता है, एंड लीस्ट कंपैटिबल सैंग्विन हो सकता है। मेलेनकोलिक के लिए द मोस्ट कंपैटिबल मिजाज पर्सन कुड बी सैंग्विन, मॉडरेट कंपैटिबिलिटी जो हो सकती है वो कोलेरिक के साथ हो सकती है, और लीस्ट कंपैटिबल जो होता है वो फ्लेगमेटिक के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की अगेन सर्द कैफियत जो होंगी वो डोमिनेंट होंगे। तो ये एक मैंने चार्ट अपने समझ के हिसाब से बनाई हूँ, कंपैटिबिलिटी ऑफ डिफरेंट मिजाज पर्सन विद ईच अदर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमने अपनानी चाहिए। हम हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं तो अगर स्ट्रैटेजीज में अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करूं पेरेंटिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग पेरेंटिंग वाले होंगे, तो मुझे चूंकि यहाँ पे बहुत कम वक्त मिला है मैं बहुत ज्यादा इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाह रही थी। मैं रात में 2 बजे तक जाके ये स्लाइड्स बनाई थी और सुबह भी जल्दी उठी थी, फिर भी यहाँ पर कुछ चीजें रह गई है वो मैं कभी फिर कोई दूसरा लेक्चर अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसमें वापस से और बहुत सारी चीजें ऐड कर सकती हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर हम एज अ पेरेंट की बात करें
तो सैंग्विन मिजाज के जो पेरेंट हो सकते हैं, वो पेरेंट होते हैं, वो किस तरीके के पेरेंट होते हैं, और उनका अगर उनके जो बच्चे हैं वो अगर डिफरेंट मिजाज के हो तो उनका लर्निंग स्टाइल क्या हो सकता है, और उनके लर्निंग स्टाइल जब हमको हमारे बच्चों की मिजाज मालूम होगा और अगर हमको उनके हमारे बच्चों का लर्निंग स्टाइल मालूम होगा तो हम उस हिसाब से उनकी स्टडीज में हेल्प कर सकते हैं और हम उनको उस तरीके से लर्निंग मोडेलिटीज या लर्निंग मॉड्यूल्स बता सकते हैं कि आप ये लर्निंग मॉड्यूल अडॉप्ट करो तो आपकी स्टडी बेहतर हो सकती है। ओके, तो इस तरीके से ये मिजाज को हम बहुत अच्छे से समझकर हम हमारे बच्चों की पेरेंटिंग में भी बहुत हम बेहतरीन पेरेंट्स बन सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, सैंग्विन मिजाज के जो पेरेंट होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल से मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ्लेगमेटिक, कोलेरिक और मेलेनकोलिक पेरेंट्स जो होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, नहीं। यहाँ पे नॉर्मल से मुराद जो होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं, वो रियलिस्टिक होते हैं। मतलब मैं अगर नॉर्मल की बजाय अगर मैं कहूंगी रियलिस्टिक तो वो मोर एप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा, कि दे नो द कैपेसिटी एंड द पोटेंशियल ऑफ देयर चिल्ड्रन और वो उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से नहीं रखते हैं, ओके, बिकॉज वो हकीकत पसंद होते हैं। तो यहाँ पर अगर बच्चा सैंग्विन है तो उसका जो लर्निंग स्टाइल होगा वो एक्सपेरिमेंटल होगा। तो हमको जो उसको मॉड्यूल्स देने हैं बच्चों को उसकी स्टडी के लिए, वो एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स देने हैं। हमको ऐसे एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स ढूंढने होंगे स्टडी के जो हमारे बच्चों के लिए स्टडी में हेल्पफुल हो। तो हमको उनको एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स ढूंढ के देने होंगे, तब वो उनकी स्टडी में बहुत फायदेमंद होगा और वो अपनी स्टडी में एक्सेल कर पाएंगे। अब अगर हम फ्लेगमेटिक पेरेंट की बात करें तो ये लीनियंट होते हैं, लीनियंट होते हैं इस तरीके से कि ये बेचारे नर्म मिजाज के पेरेंट होते हैं, कि अगर उनका बच्चा उनसे ये कहे कि मम्मी आज मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, या मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया अब मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं थक गया हूँ, तो ये पेरेंट्स चूंकि सॉफ्ट हार्टेड होते हैं तो बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, मेरा बच्चा बहुत पढ़ लिया, चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ो या थोड़े रेस्ट करके या खेल के पढ़ लेना, यानी ये लीनियंट होते हैं। ओके, अब यहाँ पर इनके जो अगर बच्चा फ्लेगमेटिक है और उसका लर्निंग स्टाइल जो होगा वो मेंटर टाइप होगा, तो हमको उसको ऐसे मॉड्यूल ढूंढ कर देना है जिसमें मेंटरिंग हो या जिसमें समझने की या हम कहेंगे उसको हाउ शुड आई से, मतलब वो ऐसे मॉड्यूल ढूंढे जिसको वो आसानी से समझे, यानी इजी मॉड्यूल्स हमको ढूंढने होंगे उसके स्टडी के लिए, ताकि वो सुकून से और आहिस्ता आहिस्ता करके समझे, यानी स्लो लर्निंग मॉड्यूल्स हमको उनको ढूंढ के देने हैं, और इसमें बहुत ज्यादा एनालिटिकल मॉड्यूल नहीं होने चाहिए, इस तरीके से हमको उनको ढूंढ के देने होंगे। सही, फॉर एग्जांपल अगर मैं सैंग्विन की बात करूँ एक्सपेरिमेंटल, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो मॉड्यूल्स होंगे या एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स होंगे ये बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे। फ्लेगमेटिक जो होंगे वो स्लो लर्निंग मॉड्यूल्स जो होंगे वो उनके लिए बेहतरीन होंगे। कोलेरिक पेरेंट्स जो होते हैं दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर वेरी इनकरेजिंग, ये बहुत ज्यादा हम कहेंगे हाई एक्सपेक्टेशंस वाले होते हैं, यानी अगर उनके बच्चे ने 70% भी लेकर आया तो ये कहेंगे कि यू कुड हैव डन मोर, यू कुड हैव डन बेटर, आप 80% भी ला सकते थे, आप 90% भी ला सकते थे, यानी ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, और ये मतलब ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दे ट्राई टू इम्पोज देयर डिसीजन ऑन देयर चिल्ड्रन, यानी वो ये कहेंगे कि नहीं आपको मेडिकल में ही जाना है, आपको इंजीनियरिंग में ही जाना है, वो अपनी पसंद जो है वो बच्चों पे थोपने की कभी कभी कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर डोमिनेटिंग पर्संस। तो एज अ पेरेंट कोलेरिक पर्सन जो होते हैं दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर वेरी इनकरेजिंग, वो बच्चों को ऐसे स्पोर्ट्स में जाने देते हैं जो बहुत मतलब हम कहेंगे जैसे ट्रैकिंग पे भेज सकते हैं, राफ्टिंग में, वाटर राफ्टिंग में भेज सकते हैं, इस तरीके के। लेकिन फ्लेगमेटिक पेरेंट जो है अपने बच्चों को ऐसे स्पोर्ट्स नहीं लेने देंगे जहां पर ज्यादा चोट लगने के चांसेस होते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर बच्चा कोलेरिक है और उसका जो लर्निंग मॉड्यूल होगा वो एग्जाम्पल्स है, उसको अगर हम एग्जाम्पल्स देते हैं अलग अलग चीजों के, तो वो उस चीज को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ लेंगे।
मेलेंकोलिक पेरेंट जो होते हैं दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट, उनको हर चीज वक्त पर ही होनी चाहिए, तो ये एक मेलेंकोलिक पेरेंट का ट्रेट हो सकता है। और अगर बच्चा मेलेंकोलिक है तो उसका जो लर्निंग स्टाइल होगा वो एनालिटिकल होगा, तो हमको ऐसे मॉड्यूल ढूंढने होंगे स्टडी के जिसमें एनालिटिकल एस्पेक्ट ज्यादा हो, और जब हम ऐसे मॉड्यूल एनालिटिकल मॉड्यूल स्टडीज के बच्चों को ढूंढ के देंगे और वो बच्चे अगर उस एनालिटिकल मॉड्यूल से स्टडी करेंगे तो दे विल लर्न बेटर। सो दीज स्ट्रेटेजीज वी शुड अडॉप्ट, और यू कैन से द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट पर्सन शुड अडॉप्ट व्हेन वी आर कंसिडरिंग अबाउट द पेरेंटिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो नॉलेज ऑफ चाइल्ड्स मिजाज कैन हेल्प पेरेंट्स अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड्स यूनिक नीड्स प्रिफरेंसेस एंड वल्नरेबिलिटीज। तो ये बातों को अगर हम बच्चे का मिजाज भी जान लेते हैं और अगर हमको हमारा मिजाज भी पता है तो हम अपने मिजाज के हिसाब से और ज्यादातर बच्चे के मिजाज को हम जहन में रख के हम हमारे चाइल्ड की उसकी यूनिक नीड क्या है, यानी उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, वेदर ही इज हैविंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल, मेंटर लर्निंग स्टाइल, एग्जाम्पल और एनालिटिकल, उसके हिसाब से हम उसको प्रिफरेंस देंगे। और हमको उसकी वल्नरेबिलिटी भी मालूम है कि उसके लिए कौन सी चीजें मुश्किल है, तो उस हिसाब से हम उसके लर्निंग मॉड्यूल उसको हम जो है ढूंढ के दे सकते हैं और हम उसके स्टडीज में हम उसको गाइड कर सकते हैं और उसके डेवलपमेंट में हम उसको बेहतरीन तौर पर गाइड कर सकते हैं। देन करियर काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग में मिजाज कैन इन्फ्लुएंस ऑक्यूपेशनल चॉइसेस एंड वर्क रिलेटेड सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पर हम खुद अपने करियर के भी मतलब अगर हमारे पास कोई 11वीं 12वीं का बच्चा आता है या 12वीं का बच्चा आता है तो हम उसके मिजाज का तायुन करके हम उसको बेस्ट करियर ऑप्शंस हम सजेस्ट कर सकते हैं, या अगर हम अपने लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। सैंग्विन पर्संस के लिए टीचिंग जहां कहीं पर भी सिखाने की बात आती है या टीचिंग मेथडोलॉजी आती है तो वहां पर सैंग्विन पर्सन के लिए ये बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं। टीचिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो टीचर्स ही बने या प्राइमरी टीचर बने या कॉलेज में प्रोफेसर बने, नहीं, जहां कहीं पर भी टीचिंग या प्रीचिंग का भी आ सकता है, दे कैन बी अ बेस्ट यू कैन से रिलीजियस टीचर्स ऑल्सो। फ्लेगमैटिक में सोशल वर्कर, क्योंकि ये फ्लेगमैटिक पर्सन जो होते हैं दे आर मोर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, तो सोशल वर्क में जो है ये बहुत बेहतरीन इनका करियर बन सकता है। कोलेरिक पर्सन, क्योंकि ये डोमिनेटिंग होते हैं तो ऐसे तमाम फील्ड जहां पर लीडरशिप की जरूरत होती है वहां पर ये उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं। एंड मेलनकोलिक, चूंकि ये इनका एनालिटिकल जहन होता है, ये बहुत डिटेलिंग में जाते हैं हर चीज के, तो ये आर्टिस्ट जहां पर भी एनालिटिकल होता है, यानी अगर आर्टिस्ट का मतलब है दे कैन गो फॉर फाइन आर्ट, दे कैन गो इन म्यूजिक इंडस्ट्रीज में, डायरेक्शन में, और हम कह सकते हैं दूसरा मैं ये कह सकती हूँ मैथमेटिक्स फील्ड में, या जहां कहीं पर भी फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें होती है वहां पर ये उनके लिए बेहतरीन ऑप्शंस हो सकते हैं। ये मैंने बहुत कम वक्त था इसलिए ये थोड़ा सा ही मैंने दी हूँ, इस पर मैं बहुत डिटेल में भी मैं दे सकती हूँ कि करियर काउंसलिंग या व्हाट शुड बी द व्हाट विल बी और वुड बी नॉट विल बी व्हाट वुड बी द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर डिफरेंट मिजाज पर्सन। देन स्ट्रेटेजीज में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे फैमिली काउंसलर के पास बहुत सारे लोग जाते हैं, या डिप्रेशन के लिए इस तरह के लिए वो काउंसलर के पास जाते हैं, तो अगर हम हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बेहतर तौर से समझते हैं या जानते हैं तो ये हम कब जानेंगे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारी कब अच्छी हो सकती है, जब हमको हमारा मिजाज पता हो और हमारे सामने वाले पर्सन का मिजाज अगर हमको पता हो। सो अंडरस्टैंडिंग मिजाज कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोथ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं मेरे बच्चे के मिजाज जानती हूँ, अगर मैं मेरे हस्बैंड का मिजाज जानती हूँ, तो मुझे उनसे डीलिंग करने में बहुत आसानी हो जाएंगी। ये हो गई मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। और अगर मैं मेरे बॉस का
या मैं मेरे प्रिंसिपल का मिजाज जानती हूँ क्योंकि मैं टीचिंग में हूँ, तो अगर मैं मेरे प्रिंसिपल के मिजाज को जानती हूँ, अगर मैं मेरे मैनेजमेंट मेंबर्स के मिजाज को जानती हूँ, अगर मैं मेरे स्टूडेंट के मिजाज को जानती हूँ और अगर मैं मेरे कलीग्स के मिजाज को जानती हूँ, तो मुझे उनसे डीलिंग करने में आसानी होगी। सो वॉट स्ट्रेटेजीज वी शुड अडॉप्ट फॉर बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और फॉर बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलपमेंट। तो यहाँ पर डिफरेंट मिजाज के लोग, अगेन सैंग्विन मोड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्या हो सकता है, तो सैंग्विन पर्सन जो है वो ये कहेंगे आई अंडरस्टैंड। आप गौर कीजिए कि आपके जो भी दोस्त है वो बहुत सारे लोगों की वो आदत होती है कि वो ये कहते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, या कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ आई बिलीव व्हाट यू सेड। हम कहेंगे देखो आज मेरे साथ ऐसा हो गया या उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आप कहेंगे हाँ। फ्लेगमेटिक पर्सन जो होंगे उनका कॉमनली यूज फ्रेज होगा हाँ आई बिलीव इन यू, या वो बहुत जल्दी से बिलीव कर लेंगे। कोलेरिक जो है हाँ मैं देख रहा हूँ वो क्या कर रहा है, आई सी, उनका ये जो सेंटेंस होता है ये बहुत कॉमन होता है। एंड मेलेंकोलिक यस आई नो व्हाट यू से, आई नो व्हाट यू फील, ये इनका मोड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, कोलेरिक एंड मेलेंकोलिक, ये इस तरीके से इनका मोड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन होता है। अब अगर रीजनिंग स्टाइल, अब अगर मैं किसी सैंग्विन बंदे से अगर मैं डील कर रही हूँ तो मुझे उसका रीजनिंग स्टाइल मालूमगा, वो रैशनलिस्ट होते हैं, ओके, उसी हिसाब से मैं उनसे डील करूंगी। फ्लेगमेटिक बंदे का जो रीजनिंग स्टाइल होता है वो क्यूमुलेटिव होता है, ओके। कोलेरिक बंदे बहुत लॉजिकल सोचते हैं, आप उनको इलॉजिकल आंसर्स नहीं दे सकते हैं या इलॉजिकल कोई भी आप उनसे मतलब डील नहीं कर सकते, दे आर वेरी वेरी लॉजिकल। आपको अगर उनको कोई भी बात आपकी मतलब ये तो कहते हैं यू आर पुटिंग अक्रॉस योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो जब आप कोलेरिक बंदे से बात कर रहे हैं तो या अगर आपका बॉस कोलेरिक है तो जब कभी भी आप आपकी कोई भी रिपोर्ट तैयार करेंगे या आप अगर कोई आप आइडियाज देना चाहते हैं तो इट शुड बी वेरी लॉजिकल, क्योंकि उनका जो रीजनिंग स्टाइल होता है वो लॉजिकल होता है। मेलेंकोलिक पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो तो आपका जो प्रोजेक्ट है या आप आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू या आपका कोई भी हम कहना चाहिए कोई बात आप आपकी रखना चाहते हो तो आप उसकी पहले बहुत थॉरो एनालिसिस कर लीजिए और वो बहुत एनालिटिकल स्टडी करेंगे, यानी वो बहुत क्रिटिकली आपके हर पॉइंट को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए जब कभी भी आप किसी ऐसे मेलेंकोलिक बंदे से अगर आप डील कर रहे हो तो उसका जो रीजनिंग स्टाइल है वो आप हमेशा याद रखिए कि उसका रीजनिंग स्टाइल एनालिटिकल होगा। सो दीज आर द डिफरेंट रीजनिंग स्टाइल ऑफ द पर्सन ऑफ डिफरेंट मिजाज। सो सैंग्विन पर्सन दे आर वेरी रैशनलिस्ट, फ्लेगमेटिक दे आर वेरी क्यूमुलेटिव, कोलेरिक दे आर वेरी लॉजिकल एंड मेलेंकोलिक दे आर वेरी एनालिटिकल पर्सन। तो अब हमको रीजनिंग स्टाइल मालूम हो गया है तो हम उसी हिसाब से उस बंदे से डील कर सकते हैं। नाउ कम टू रिलेशनशिप स्टाइल। अगर हम रिलेशनशिप स्टाइल की बात करें, अगर हम समझो पर्सनल लेवल पर भी बात करें या अगर हम प्रोफेशनल लेवल पर भी बात करें, तो इफ योर कलीग्स आर सैंग्विन या अगर आपके स्टूडेंट्स भी जो है इफ दे आर सैंग्विन तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव। आपके जो कलीग्स होंगे दे आर कोऑपरेटिव विथ यू। फ्लेगमैटिक जो होते हैं दे आर ऑल्सो कोऑपरेटिव और दे आर कोऑपरेटिव मैं यहाँ पे कोऑपरेटिव की बजाय मैंने कमांडर लिख दी। कोलेरिक जो होते हैं, अगर आपके वो समझो अगर आप एक ही डिपार्टमेंट में हैं और अगर आपके कलीग्स हैं तो आप ये हमेशा याद रखिए कि दे आर वेरी कॉम्पिटेटिव। तो आपको आपका सीवी या आपका जो मतलब कहना चाहिए वर्क है वो हमेशा बहुत बेहतरीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई कलीग जो है वो कोलेरिक बंदा है तो आप यकीन जानिए वो बहुत कॉम्पिटेटिव है और अगर आपको उससे एक्सेल करना है तो आपको नेचुरली उससे बहुत आपकी स्किल्स जो है बहुत शार्प करना होंगी सो दैट यू कैन कॉम्पीट विथ हिम। सो कोलेरिक बंदे जो होते हैं दे आर ऑलवेज कॉम्पिटेटिव इन रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप में भी दे आर कॉम्पिटेटिव। अगर मतलब वो ये सोचते हैं कि कोई बंदा मुझे इतना चाहता है तो मैं उससे ज्यादा उसको ये करूँ, मतलब वो मोहब्बत में भी शिद्दत रखते हैं, नफरत में भी वो शिद्दत रखेंगे बिकॉज देयर रिलेशनशिप स्टाइल इज ऑलवेज कॉम्पिटेटिव। मेलेंकोलिक दे आर कंपेरेटिव, ओके।
तो वो कंपैरेटिव रखते हैं कि आपका काम का जो स्टाइल है वो कैसे है। वो हमेशा चाहेंगे कि आपका जो है काम, उनका जो काम है वो आपकी बनिस्बत अच्छा हो। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव नहीं है, दे आर कंपेरेटिव। तो जब कभी भी ऐसे लोगों से आप डील करेंगे तो आप हमेशा याद रखिए कि उनका जो रिलेशनशिप स्टाइल है वो कंपेरेटिव है। तो इस तरीके से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हम जो है अडॉप्ट करके हम डिफरेंट लेवल पर जो है वो क्या कहेंगे, वी शुड डील विद एंड वी शुड गाइड डिफरेंट मिजाज पर्सन एट द डिफरेंट लेवल। सो मेरे ख्याल से यहाँ तक के लिए, आज के लिए ये काफी है। यहाँ पर जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है वो मैं आप लोगों को फिर और कभी डिटेल में बताऊंगी, या जब कभी भी अलादीन सर मुझे कहेंगे तो मैं इसको और बहुत डिटेल में मैं बता सकती हूँ, स्पेशली द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड पे हम बहुत डिटेल में, करियर काउंसलिंग पर एंड पेरेंटिंग पर हम बहुत डिटेल में और बात कर सकते हैं। मैम इसको कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट टाइम दे दीजिए, क्योंकि अभी बात अधूरी रह गई। यस सर, क्योंकि मुझे बहुत रात हो गई थी सर, कॉलेज में हमारे क्योंकि बहुत ज्यादा मैं बिजी थी, बहुत ही ज्यादा बिजी। हम अभी 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 हम अभी हम किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर हम शुरू करेंगे तो हम लोगों का एक ये तरह भी है कि जो चीज शुरू हो तो फिर वो शुरू रहे। भले ही आपको चार क्लास लेनी हो, भले ही दो क्लास में आप करें, बट आप ही का क्लास रहेगा। सो ये एक हम लोगों का एक ओके। सो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और बहुत डिटेल में डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट मिजाज वी कैन एक्सप्लोर। जी जी, मतलब इसमें हम लोग ब्रेक करना चाह रहे हैं कि जो आपका जो सिस्टम है उसको हम कंटिन्यू, चाहे वो एक क्लास में हो या दो में हो, मतलब ये नहीं होना चाहिए ब्रेक हो गया तो फिर उसमें चीजें भी नहीं मिल पाती। क्योंकि आज जो आपने दिया है दौलत, मुझे लगता है कि सब कुछ इसमें सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोगों को ये मतलब इतने सारे आपके लिए फूल बिखेरे जा रहे हैं इस क्लास के बाद कि हर हर लोगों के अंदर जो है कि अलग स्टेमिना दिखा है पहली बार ऐसा, तो एक हम अच्छे काउंसलर भी बन सकते हैं, एक हम अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने वाले वो भी बन सकते हैं अगर डीप स्टडी हो गई, और सब लोग अपने अपने एतबार से एक अच्छा रिश्ता भी ढूंढ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही एक सिस्टम है जी। तो जाहिर बात है, और हम लोग मैं यही बताना चाह रही थी सर। जी एक्चुअली सर मैं यही बताना चाह रही थी कि हमने मिजाज को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, हम सिर्फ उसको ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले रहे हैं। तो अगर हमको मिजाज पर बहुत ज्यादा कमांड हो जाएगा, मैं यहाँ पे ही बताना चाह रही थी कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें मैंने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप की हूँ, तो वो जब मुझे मिनिस्ट्री से परमिशन हो जाएंगी तो वो मैं सॉफ्टवेयर भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो हमको मिजाज का तायुन करने आना चाहिए, और उसके बाद हम बेहतरीन काउंसलर बन सकते हैं सर, और करियर गाइडेंस के लिए भी हम बेहतरीन तौर पर मतलब इसका तो हम, मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपनी क्लिनिक पर ना ये एक डिफरेंट हेडिंग या हम कहेंगे एक स्लाइड जो है तख्ती लगा सकते हैं, हाँ डिस्प्ले हाँ, कर सकते हैं कि हम करियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं या पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप काउंसलिंग भी कर सकते हैं, और उसके लिए हमको हम बाकायदा से अलग से चार्ज कर सकते हैं, और वो पेशेंट को हमने क्या करना है, विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं, विद अपॉइंटमेंट करना है। जैसा हम बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करते हैं, तो बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस के लिए भी आप पेशेंट को बुला सकते हैं, और उसी हिसाब से हम पेशेंट को जो है अपॉइंटमेंट के, विदाउट अपॉइंटमेंट हमने ये नहीं करना है, विद अपॉइंटमेंट बुलाना है पेशेंट को, और उनके मिजाज के हिसाब से हम उनकी काउंसलिंग बेहतरीन तौर पर कर सकते हैं। अभी चूंकि 11-12 के रिजल्ट आए हैं तो ये मौका बहुत अच्छा है फॉर करियर काउंसलिंग के लिए। मैम जैसे आपने मिजाज के एतबार से, सर हमने पढ़ा तो है ही, सर ने भी पढ़ाया है, तो एक जो चैप्टर होगा कि एक नॉर्मल पेशेंट का
ये एक पेशेंट नहीं, नॉर्मल एक ह्यूमन बॉडी का मिजाज के लिए कौन से की पॉइंट हैं कि जो हम उसका मिजाज समझें? मतलब एक आप, हम लोग जानते हैं कि ये डायनेमिक दिखा, ये हुआ, ये सब, लेकिन बहुत से डीप स्टडी ऑफ की पॉइंट, मतलब एक हमारे पास जो एंटर हुआ पेशेंट वो एक नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल अलाउद्दीन बैठा है, तो पहले तो हम नॉर्मल उसका एक मिजाज भापने के लिए हमारे पास कौन से की पॉइंट होने चाहिए? यहाँ एक नॉर्मल पे, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी आपके पास आई और उसका हमें नॉर्मल से रिलेशनशिप मेंटेन कराना है, तो वो कौन से की पॉइंट हो जिससे कि हम उसका मिजाज फाइनल करें? वो पॉइंट के लिए थोड़ा सा मशवरा देंगे नेक्स्ट क्लास में, कि पहले नॉर्मल हमारे पास क्या मिजाज होना चाहिए। अलाउद्दीन सामने खड़ा हुआ है, अलाउद्दीन सामने है तो एक फाइनल मिजाज पता होना चाहिए, बट जब वो एबनॉर्मल हो गया तो उसकी एक अलग कैपेबिलिटी हो गई। एबनॉर्मल के मतलब बीमारी लाहक हो गई, लेकिन नॉर्मल कैपेबिलिटी में कौन से की पॉइंट है वो डीप स्टडी ये होना चाहिए। तो मैम इसके लिए आपको दो लेक्चर के लिए हम लोग अपॉइंट जहमत और रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके दो लेक्चर मई के, आप कोई जरूरी नहीं कि संडे ही हो मैम, आप उससे पहले भी हमको इन्फॉर्म कर सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि संडे कंफर्म हो गया, कोई जरूरी नहीं संडे ही, नहीं नहीं सर, मेरे लिए मोस्ट सुटेबल संडे ही है, क्योंकि मंडे टू सैटरडे मैं सुबह 8 बजे से रात में 9:30 बजे तक बिजी रहती हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं अगर कोई हमारे लिए टाइम की बाउंडेशन नहीं है, आप हमें 10 बजे अगर कहेंगी, हमारे बच्चे 10 बजे पढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने इतना जुनून जगा दिया है कि वो आपको आपका लेक्चर आज का सुनने के बाद, अगर आप रात के 11 बजे कहेंगी सैटरडे नाइट में, 11 बजे बैठे मिलेंगे आप, और आज 70 हैं, आज 80-90 हुए हैं, कल 110 और 150 जाएंगे। ये बच्चों में एक अजीब सी कुढ़न और फिक्र है, और हम ये समझते हैं कि ये सुपर स्पेशलिस्ट बनेंगे बच्चे जो आज हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब कोई जाने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ, नहीं सर, नंबर ऑफ ऑडियंस पे इट डजंट डिपेंड माय लेक्चर, अगर दो लोग भी मेरा लेक्चर समझो सिंसियरली सुन लेते हैं और उनके प्रैक्टिस में उससे कोई फायदा होता है, उनकी पर्सनल लाइफ में उससे कोई फायदा है, होता है, तो मुझे ऐसा लगेगा मैंने जो वर्क दी इट इज वर्थ। जी जी, तो मैम हम अब मई को आपके नाम करते हैं, जब जो भी टाइम आप हो आप हमें डिसाइड करके बता दीजिएगा। Sure. और जून में, ठीक है, जून में 3 दिन के लिए हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, जून में 3 दिन के लिए एक हमारी एकेडमी आपके यहाँ आना चाहते हैं सीखने के लिए, वो एक आप बताएंगी तब हम लोग हिम्मत करेंगे, वो हम लोग अपने अपने खर्चे से जो जो है कि जो भी लोग जून में कुछ ना, हरकत बहुत जरूरी है। आज आपका वक्त हमने बहुत ले लिया और टाइम से थोड़ा सा हट गए, लेकिन हम बेहद इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप हमें वक्त जरूर देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। तो आज का ये टॉपिक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो टॉपिक था उसको हमने फाइनलाइज नहीं किया है, ये कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। आपको नेक्स्ट टाइम जो भी चीजें डीप स्टडी के साथ आपको, और हम लोग एक नेक्स्ट प्लानिंग की तैयारी हमेशा रहती है, तो मई में आप लोग पूरा सिंसियर हो जाइए, मई गजाला मैम के नाम रहेगा, और इसमें हम बहुत सी मैम से रिक्वेस्ट करेंगे बीच में, और इंशाल्लाह आपको मैम रूबरू होकर हर चीज को एक बताएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के।